हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का सैब। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी और ये बहुत ही अलग रेसिपी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो तंदूर के अंदर मसाला लगाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, और लगा के भी दिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। मसाला बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको इनकी क्वांटिटी बता देता हूँ। केला 700 ग्राम, गुड़ 1 किलो, मस्टर्ड ऑयल 600 ग्राम, पालक 1 किलो, पालक को आप पहले बॉईल कर लें, 6 पीस अंडे, सिरा, ये सिरा है, आप मार्केट में जाएंगे किसी किराने की दुकान पे, उसको बोलेंगे हमको सिरा चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ये नहीं है तो आप मसाला नहीं बना सकते। अब मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आपने एक मिक्सी का जार लेना है, पालक इसमें डाल दें, साथ में आपने इसमें केले भी डाल लेना है। केला डालने के बाद आप चाहें तो अंडे इसमें भी डाल के पीस सकते हैं और अलग से भी डाल सकते हैं। इसमें डाल के पीसेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने पानी नहीं डालना पड़ेगा, तो इसमें डाल लें, मैं भी इसमें डालने वाला हूं। अंडे डालने के बाद आप तेल भी इसमें डाल लें, मतलब आपने एक बढ़िया मिक्सर बना लेना है मजेदार। ये देखिए, मैं आपको हमेशा बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी बताता हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। अब हम इसको पीस लेंगे, इस तरीके से आपने पीस लेना है। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन पीस गया है, शेक बन गया ये। आपने इस तरीके से पीस लेना है। गुड़ आपने पानी में भिगा देना है, आप कम से कम 1 लीटर पानी में भिगाएं और पानी को पहले गर्म कर लें। मैं भी भिगाने वाला हूं। आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरीके से पालक और अंडे और केला और मस्टर्ड ऑयल पीस लिया है, आप भी इसी तरीके से पीस लें। अब आपको पकाने का तरीका बताता हूँ। पकाने के लिए आपने कोई मोटी तली वाला बर्तन लेना है, या फिर आप कॉपर का पतीला ले लें, या कढ़ाई ले लें मोटी, या आप लगान में भी पका सकते हैं। मेरे पास लगान है और बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसी में पकाऊंगा। आपने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, ये इसलिए है ताकि नीचे चिपके ना। तेल डालने के बाद आपको तेल गर्म होने का इंतजार नहीं करना है, आप तुरंत भी डाल सकते हैं। आप पहले ये पालक का पेस्ट डालें, डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है, जैसे पालक भूनते हैं, आपने कई बार पालक भूनी होगी, उस तरीके से आप इसको भून लें। ध्यान रखें जब ये पकेगा तो ये सारे तरफ उड़ने लगेगा, होली हो जाएगी आपकी बिना होली के, तो आप इसको ढक्कन भी ढक सकते हैं, ढक्कन ढक के ऐसे चलाते रहें। ये देखिए, इस तरीके से पालक पकाने के बाद आपने अच्छे से पालक पकाना है, ऐसे फटा फटा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें सिरा डाल देना है, गैस स्लो कर दें पहले, आप इस तरीके से सिरा डाल दें। सिरा डालने के बाद आपने ये गुड़ डाल देना, ये जो मैंने बोला था आपको भिगा के रखें, ये देखिए ये भीगा हुआ ऐसा पानी हो जाएगा, ये भी आप इसमें डाल दें। ये दोनों चीज डालने के बाद आपने इसको आराम से कम 1 घंटा पकाना है स्लो गैस में, धीरे धीरे पकने दें। अब मैं भी आराम से इसको स्लो गैस में 1 घंटा पकाने वाला हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से काला हो जाएगा, एकदम काला होता है ये सिरे की वजह से, और ये अभी पतला है, आपने इतनी देर पकाना, ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, आपने गाढ़ा करना है पका पका के। आप ऐसा नहीं एक बार उबाल आ गया और आपने गैस बंद कर देनी है तो बेकार बनेगा ये, आपने अच्छी तरीके से इसको पकाना है। मैं आपको बताऊंगा कितना गाढ़ा करना है आपने। ये देखिए, जब पक जाएगा तब इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए कैसे चमक रहा है, ऐसे लग रहा है कि तारे चमक रहे हैं, ऐसे लाइट मारेगा। और ये देखिए गाढ़ा, अब ये गाढ़ा भी हो चुका है, इतना गाढ़ा आपने करना है। टाइम मैं नहीं बताऊंगा कि 1 घंटा या 1.5 घंटा, मैंने तो इसको 1.5 घंटा पकाया है क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से स्लो गैस में पकाया है। आप अपने हिसाब से पकाएं, कितनी देर में आपने पकाना है, कितनी गैस स्लो करनी है या फास्ट करनी है, लेकिन ऐसा पकाना है, ये देखिए ऐसी चमक आना चाहिए, ये है असली मसाला। अब ये हो गया है, अब मैं गैस बंद कर दूंगा। ये देखिए, ये मसाला ठंडा हो चुका है, आपने बना के पहले इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आपने इसको एक डब्बे में निकाल लेना है, आप चाहे पीपे में निकाल लें या किसी डॉल में निकाल लें, बाल्टी में, ताकि आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकें। मैं भी अब इसको बाल्टी में पलट लूंगा। ये देखिए, मैंने इसको खाली कर लिया एक बाल्टी के अंदर, आपने इस तरीके से स्टोर कर लेना अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ आपने लगाना कैसे। मसाला लगाने के लिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने फ्लोर डस्टर लेना है।
फ्लोर डस्टर में क्या होता है, ज्यादा मसाला आएगा और अच्छे से आप चारों तरफ लगा सकते हैं। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने रात में लगाना है, जब आप किचन बंद करते हैं रात में तब आप लगाएं। आपने ये देखिए इस तरीके से डुबाना है, ध्यान से देखें आप, ऐसे आपने डुबाना है, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद ऐसे ऐसे आपने पकड़ना है, एक हाथ नीचे ऐसे पकड़े, एक हाथ नीचे रखें, नहीं तो क्या है सारा टपक जाएगा। और ऐसे लगाना इस तरीके से, बहुत ज़्यादा धुआं धुआं होगा क्योंकि इसमें शुगर ये सब होता है। फिर आपने दोबारा इसमें डुबाना है, गर्म हो जाएगा ये कपड़ा, जलना नहीं है। फिर दोबारा से ऐसे और आपने ये दो तीन दिन लगातार लगाना है। आज मैं आपके लिए लेके आया तंदूर का मसाला और मैंने आपको बना के और तंदूर में लगा के दिखाया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।